हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ रेलवे स्टेशन वाली कटलेट। बिल्कुल ही वैसा टेस्ट है, खाने में बहुत ही अच्छी है और बनाने में बहुत ही इजी है। बहुत सारी वेजी है तो ये बनाना जरूर बनता है आपको। और आई होप आप जब भी बनाएंगे तो आपके ये फेवरेट होने वाले हैं कटलेट, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसमें कंजूसी मत करिएगा, ये टोटली फ्री है। और जो साथ में बेल बटन आएगा उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक और शेयर तो बनता ही, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर। ये तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, चलिए आइए। तो फ्रेंड्स, वेज कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने एक कड़छी रिफाइंड ऑयल डाला है। सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ पे अनियन, एक मैंने ये अनियन ली है, बारीक चॉप कर ली है। और आप चाहो तो अदरक भी डाल सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं भून लूंगी, बस इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बस अब डाल दूंगी यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्च ली है। बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं डालूंगी यहाँ पे एक गाजर है, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और साथ ही डालूंगी मैं यहाँ पे शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च है ये, करीब है ये 4 बड़े चम्मच है। इसको भी यहाँ पे मिक्स कर दूंगी। और साथ ही साथ ये बीन्स है, ये भी करीब एक कटोरी, देखिए आप ये करीब 4 चम्मच है हमारे। इसको अच्छे से क्रंची रखना हमने वेजी को। थोड़ा सा मैं भून लूंगी इसको। अब यहाँ पे मैं डालूंगी ये कॉर्न है, 3 चम्मच है। इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है। और साथ साथ ही मैं ये डालूंगी ये फ्रोजन मटर है, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। इसको भी अच्छा सा भून लूंगी अभी। थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी मैं डालूंगी यहाँ पे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी ही लाल मिर्च पाउडर, को मिक्स कर लूंगी अभी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, इसको अच्छा सा एक टेस्ट देने के लिए। ये मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है। ये है काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मैं ये डालूंगी। और ये थोड़ा सा भुना जीरा, अब डालूंगी मैं यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटो, ये मैंने 4 लिए थे जो मैंने ग्रेट कर लिए, कद्दूकस कर लिए। इसको मिक्स कर लूंगी मैं। साथ ही साथ मैं डालूंगी बीट रूट, जो इसकी जान है, जिससे इसका रेड सा कलर आता है। ये भी बारीक मैंने चॉप कर ली, ये भी मैंने एक ही डाला है। बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और यहां पे डालूंगी मैं नमक, 2 चम्मच डालूंगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल लीजिएगा इसको। और एक अच्छा सा इसको खटास देने के लिए ये है लेमन। ये करीब मैं 1 डालने वाली हूँ इसमें। और बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया इसमें। और बस गैस को करती हूँ ऑफ, और इसको ठंडा होने के लिए मैं अलग निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है। यहाँ पे मैंने
ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, ये देखिए मैं 4 चम्मच 5 चम्मच इसमें ऐड करने वाली हूँ। आप ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर या मैदा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, इससे अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। बहुत सिंपल है, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करिए, उसे मिक्सी के जार में चला दीजिए, बस फ्रेश आपके ब्रेड क्रम बनके रेडी हो जाएंगे। इसको सबको मैं मिक्स कर लूंगी अभी। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ा सा हम हाथों को ग्रीस करेंगे और इससे जितने बड़े आपको बनाने हैं जितने साइज के इतने आप ले लेंगे। और पहले इसको राउंड कर लीजिए, जिस भी शेप आप बनाना चाहे जिस भी शेप में, मैं थोड़ा सा इसको जैसे ट्रेन में मिलते हैं मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ। इसको देखिए ऊपर से गोल और नीचे से ऐसे शेप में, ऐसे ही मिलते हैं ना ट्रेन में, वैसे ही मैं बना रही हूँ। देखिए बहुत इजीली ये शेप बन जाएगी, तो ऐसा मैं बना के रख लूंगी अभी सारे। ये देखिए एक और दिखाती हूँ मैं आपको, अगर आपको लगे ये थोड़ा सा डो में थोड़ा सा पतला है तो आप ब्रेड क्रम्स या अरारोट जो भी आप डाल रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। इसको प्रेस करिए और फिर नीचे से आप ऐसे शेप दे दीजिए, देखिए इस तरीके की शेप है ना, कितनी बढ़िया शेप और कितना अच्छा कलर आया। ऐसे मैं सारे अभी बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये सारे कटलेट मेरे बनके रेडी हैं। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स रखे इस पे कोट करने के लिए, और यहाँ पे मैंने मैदा की स्लरी बना ली है पतली सी जिसमें लम्ब्स नहीं है, और थोड़ा सा इसपे मैंने नमक डाला है बस। अब चलिए आगे हम इसको अब तलते हैं। सबसे पहले मैं इसको मैदा में डिप करूंगी इस तरीके से, और फिर इसमें कोट कर दूंगी इस ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से, अच्छे से कोट कर देंगे हम ताकि इससे ही बहुत क्रिस्प बनेंगे और बाइंड भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे इस तरीके से। फिर आप हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए यह कढ़ाई मैंने रख दी है, साथ ही साथ मैं इसको मैदा में डिप करती जा रही हूँ और ब्रेड क्रम्स इस पे कोट करती जा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं इसमें फ्राई करूंगी जितने आ जाए एक बार में। इसको गोल्डन होने तक मैं तलूंगी, और इसको अभी मैंने इसको हिलाना नहीं है जब तक कि एक तरफ से सिक ना जाए, बस एक बार में 2 से या 3 ही आएंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स ये लग रहा है एक तरफ से सीख गए हैं, मैं इसको टर्न करूंगी धीरे धीरे। देखिए वाओ कितना प्यारा कलर आया इसमें, और इसको ना बिल्कुल स्लो पे आप मत करिएगा, और ना इसको बार बार आपने पलटना है, बस इजीली जब भी ये आपको लगे एक साइड की ये इसकी ब्राउन हो गई है सुनहरी हो गई है तब आप इसको टर्न करिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया, आ रहा है ना आपके मुंह में पानी, और इसी तरह मैं सारे और बना लूंगी। और देखिए गाइस ये दूसरी तरफ से भी सीख गए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही टेस्टी बने होंगे। इसको टेढ़ा करके थोड़ा निकालिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसी में रह जाए। और देखिए मैं बाकी के बैच भी इसी तरह रेडी कर लूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स मजेदार रेलवे स्टेशन वाले कटलेट बनके हमारे रेडी हैं, और देखिए देखने से ही आपके मुंह में आ रहा होगा पानी। और आप फिर देरी किस बात की है, आप बनाइए जल्दी से इसी रेसिपी के साथ और एंजॉय करिए रेलवे वाले कटलेट। ये देखिए क्रंचीनेस मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, ये देखिए कितने क्रंच है, बाहर से एकदम क्रंच है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको आप बना के देखिएगा, और देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, देखिए है ना कितने मजेदार, कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है, कितने इजी हैं, और बहुत सारी वेज आपके अंदर पहुंच जाती है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते कोई वेज तो बहुत अच्छा है ये, इस समय वेज बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स जल्दी से ये
बनाइए कटलेट और इंजॉय करिए और बताइए ये रेसिपी कैसी बनी। मिलती हूँ फिर एक ऐसे ही हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय एंड टेक केयर।